Sí, es correcto. Acha, assalamualaikum, Serena Baji. जी वाली, ¿cómo está? कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आज हमारे साथ जरीना बाजी हैं और अनफॉर्चुनेटली जो मॉडरेटर थे सवेर वो मैं ज्वाइन नहीं कर सकी, इसलिए उनको आज सुबह ही अनफॉर्चुनेटली तेज बुखार और जुकाम हो गया है। तो मैंने उनसे जब बात भी की उनकी आवाज़ से ही पता लगा था कि बहुत बीमार हैं, तो मैंने भी ज़्यादा तंग नहीं किया कि ज़्यादा वो ही सेशन मॉडरेट करें। तो अभी हमारे साथ जरीना बाजी हैं। मुल्तान से साहब बताएं, जरीना बाजी अपने बारे में बताएं, अपना काम दिखाएं। काम हमारा आपके सामने है और बस शौक है, बहुत पहले से शौक है ये सब कुछ करने का। अब ये है कि प्लेटफॉर्म मिल गया आप लोगों के थ्रू, तो थैंकफुल टू यू। अच्छा, तो अपना काम जरा खोल खोल के दिखाएं, आपके पास आप कौन से प्रोडक्ट्स हैं? आपका डिस्प्ले तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये हमने खोल के दिखाया, ये वाली शर्ट दिखाई, हाथ की कढ़ाई में है सारा, मतलब सारा घर का काम है, कोई भी बाहर का मार्केट का या कुछ भी ऐसा नहीं है। थोड़ा और नीचे करें। हाँ जी, यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो ये इसके साथ साथ ये भी बताते रहे कि ये कौन सा मटेरियल है और इसकी प्राइस क्या है। ये मिरर वर्क है और फैब्रिक तो लॉन है। 1200 है शर्ट्स की ना प्राइस, ये सारी शर्ट्स हैं 1200 में। ये स्लीव्स हैं इसके, ठीक तरीके से शो हो रहा है ये या कुछ गड़बड़ तो बिल्कुल नहीं है? ठीक से, जी जी नहीं नहीं ठीक है। बिल्कुल ठीक से नजर आ रहा है, डिटेल्स आ रहा है, कुछ बहुत अच्छी नजर आ रहे हैं। देखिए अच्छा, साथ साथ मुझे ये बताएं जरीना बाजी कि आप कितने साल से काम कर रही हैं और आप इस मुकाम पे कैसे पहुंची? ये काम तो मतलब बहुत टाइम से है, 15-20 साल तो हो गए हैं ये काम करते हुए, लेकिन ऐसे घर में ही था, ये घर में ही काम कर रहे थे पहले, लेकिन अब है कि आपके साथ कर रहे हैं या एग्जीबिशंस कर रहे हैं, बाकी पहले उससे पहले घर में ही कर रहे थे। अच्छा, पहले एग्जीबिशन घर पे करती थी। हाँ जी, एग्जीबिशंस की हुई है, एम्पोरियम में भी की है, यहाँ मुल्तान में भी की हुई है। ये ग्रीन कलर पे है, पिंक में। ये सारा आपकी, इस दफा आपकी एग्जीबिशन के लिए सारा स्पेशल रेडी करवाया है, इससे पहले मतलब सारा काफी ओल्ड हो गया था काम, तो अब ये न्यू वर्क करवाया है सारा। हाँ नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है ये। अच्छा, तो ये बताएंगे आपने अभी कोरोना टाइम में रेडी कराया था, इसलिए वो अभी तो मुझे पता है कि उस वक्त तो बहुत सेल वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, तो वो उस टाइम को हाँ मुश्किल जी, वक्त को कैसे आपने डील किया? बस शौक है, ये रुकने का नाम नहीं लेता शौक, कि बस करना है तो करना है, कुछ भी है। आप लोग भी तो कह रहे हैं, आप लोग भी तो हमारे लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं ना, कोई बीमार है, किसी को थकावट है, कुछ भी है, आप लोग भी तो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम तो सारा कुछ टीम वर्क से ही होता है, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये भी शर्ट है, ये सारी शर्ट्स थी और ये अब ये सारा हुडी गर्मी थी। का वो है कलेक्शन ही है, ये सर्दियों का भी है। सो आई थिंक आजकल लोग सर्दियों के उसमें ज्यादा देख रहे होते हैं। हाँ जी है, सर्दियों का भी है, लीलन पे भी है और वेलवेट पे भी है, सिल्क पे भी है। ये एप्लिक में है,
वेलवेट की शाल है। ये इसका बॉर्डर है सारा। ये ट्राउजर है इसका। शर्ट और ये इसकी शर्ट है। दामन पे है ये इस तरह बस। शर्ट को थोड़ा सा दूर से भी दिखा दें ताकि हम पूरा शर्ट देख सकें। ये ऑर्गेन्जा पे है। ये भी ऑर्गेन्जा मसूरी बटे अच्छा ये मुझे बताएं जी, वैसे आपको इसके आइडियाज इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? जो डिजाइन्स आप बनाती हैं आप कहाँ से वो इंस्पिरेशन लेती हैं? सॉरी आई कैन कांट हियर यू। अच्छा मैं कही थी आपकी आपको वो जो आवाज नहीं आइडिया, आ रही। अब आ रही है आवाज? हेलो, कुछ नहीं आता। आपकी आवाज नहीं आ रही इस टाइम मुझे। हाँ कुछ नहीं होता, आप काम दिखाती हैं ना, कोई मसला नहीं है। कांट हेयर यू मैम। मैं कह रही हूँ जीना बाजी, आप काम दिखाती रहे, कोई मसला नहीं है। काम दिखाती रहे जीना बाजी, कोई मसला नहीं है। हेलो जैसे कल जीना कुछ बाजी, सेशंस हेलो। में हुआ है ना इशू, अब लग रहा है कि यहाँ पे और तो कोई इशू हुआ नहीं है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे वॉल्यूम का इशू हो गया है कोई। हेलो हेलो सरीना बाजी। जरीना बाजी आप बस अपना काम दिखाती रहें। अच्छा नहीं आ रही आवाज आपकी। बस काम दिखाई दे तो बोलना।
हाँ
हाँ
अच्छा थैंक यू व्यूअर्स। आई थिंक अभी वो दिखा रही है मैं कपड़े, तो आई हम एक दफा गैलरी की भी झलक देख लेते हैं, ताकि आप साइड बाय साइड उनका अपने काम देख लिए तो डायरेक्टली कांटेक्ट करें जरीना बाजी को। सैडली उनका बीच लाइव सेशन में ऑडियो डिसरप्ट हो गया था, लेकिन उनका काम बड़ा अच्छा है, तो आप जैसे देख सकते हैं, तो प्लीज उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करें। उनका ये नंबर नजर आ रहा है आपको, इधर जरीना बाजी को डायरेक्टली कांटेक्ट करें, या कारवान क्रॉस फाउंडेशन को इधर डायरेक्ट मैसेज करें फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। और जैसे आप अभी देख सकती हैं, उनका बहुत मजे का काम है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, शादी के काम से लेके कैजुअल वेयर भी है। एक्चुअली मिशाल लगता है ऐसे जैसे कोई ना एग्जीबिशन को ना नजर लग गई है किसी की। कभी ऑडियो जा रहा है, कभी वीडियो जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा है क्या जा रहा है। नहीं, नसरीन बाजी ऐसा नहीं है, वो कुछ ना कुछ होता है रहता है। आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी इतनी समझ है कि हमारे साथ कुछ वो हम कॉपरेट फील्ड में करेंगे, थोड़ी समझ लेंगे हम क्या दिखा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल चले कोई बात नहीं, ये एक्चुअली ये एग्जीबिशन वो बन गई है, टॉम डिक हैरी वाली स्टोरी। ये आपका काम तो बहुत मजे का है जरीना बाजी। तो आपका क्या सोच है, आप आगे जाके इसको कितनी दूर लेके जाना चाहती हैं, आपका क्या ख्वाब है, आप जिंदगी में से क्या हासिल करना चाहती हैं? बस ये है कि काम जो है ना अब स्टार्ट हो जाए, प्रॉपर एक प्रॉपर वे में ये स्टार्ट हो, और कोई शॉप बन जाए, कोई बुटीक बन जाए। इस तरह घर में कर करके एक्चुअली अब बोर हो चुके हैं इसे। अब यूं के मतलब इसे डिस्प्ले में लाना चाह रहे हैं कि कोई बिग डिस्प्ले हो, एक प्रॉपर सेटअप बन जाए, बस कोई शॉप हो, कोई बुटीक हो, कुछ भी हो। अब ये घर में कर लिया, बहुत ज्यादा एग्जीबिशन। असल में ये कोरोना की वजह से जरा थोड़ा काम स्टक हुआ पड़ा है, वरना वो जो एग्जीबिशन चल रही थी वो भी काम मजे का था कि स्टॉल लगाना, और उसके लिए इतनी इतनी तैयारियां करनी होती थी, उसमें बिजी रहते थे। ये भी आपकी एफर्ट है सारी कारवान वालों की, उसमें हमें ये जो काम मिल गया है ये बहुत है, वरना तो फ्री बैठे थे। चलो थोड़ा सा हम बिजी हो गए हैं, अगर ये आप लोगों ने हमें बिजी कर दिया, मजा आ रहा है आपके साथ काम करके। नहीं, आपका एफर्ट हमारी कोशिश ही होती है कि जो आपका ये हाथ का काम है सब पूरी दुनिया को नजर आए, इसलिए आपकी इतनी मेहनत आप खुद करती हैं, लेकिन आई थिंक सब लोगों को पहुंच नहीं पाता। तो हमारे बस यही होती है कि आपकी जितनी इतनी हिम्मत और हौसला है वो पूरी दुनिया को आपका काम नजर आए।
जी, बस ऐसे ही है। ज्यादातर देखा कि ना ये मतलब मार्केट से ही लाके और उसी को डिस्प्ले कर देना, और वो चीजें उसमें मजा नहीं आ रहा था। इसका खुद जाके हर चीज, इवन एक ड्रेस, कोई थ्रेड लेना है, कोई इसकी सुई लेनी है, एक एक चीज खुद जाके परचेज करनी है, खुद उसको हर चीज को मेंटेन करना है, उस चीज में मजा आ रहा था। ऐसे बना बनाया मार्केट से लाके फिर हम उसको आगे शो करवा रहे हैं, तो वो उसमें मजा नहीं आ रहा था। इस चीज में, इस काम में मजा आता है, खुद बिजी रहते हैं जरा। वो ये दुपट्टे हैं बहुत मजे के हैं। जी, ये दुपट्टे हैं सारे, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं इसके, सॉफ्ट से ऐसे पिंक। सिल्क पे है बाजी? नहीं, ये लॉन पे हैं अच्छा, जी। इस पे शाइन ऐसे आ रही थी कि लग रहा है कि सिल्क का हाँ जी, है। इसका फैब्रिक है ही ऐसा, मतलब फर्स्ट टाइम में तो इसको देखो तो लगता है ऐसे ही जैसे सिल्क में है ये दुपट्टा। ये बहुत बिग कलेक्शन पड़ा है इस टाइम दुपट्टे का, बहुत ज्यादा है, ये हर कलर में है, हर स्टाइल में। अच्छा, मुझे बताएं आपके साथ कितने लोग आपके साथ मिलके काम करते हैं, जो आपके साथ कितनी ज्यादा बाजियां काम कर रही होती हैं? ये काम एक्चुअली मेरी मदर कर रही थी, मदर उन्होंने अब मेरे पे छोड़ दिया, मैं इनकी बेटी हूँ, अब मैं हैंडल कर रही हूँ सारा ये, और हम दो ही कर रहे हैं फिलहाल। खुद सारा काम कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं, अभी हम दो ही कर रहे हैं। मैं इसको जरा आगे लेके जाना चाह रही हूँ कि कोई ग्रुप बन जाए, इसको मैं आगे लेके चलूँ, थोड़ा स्प्रेड हो काम। तो कोई ग्रुप बने अभी तक आपके? ग्रुप यही आप लोग ही हैं, अभी आपकी टीम के साथ ही हैं बस। ठीक, नहीं, ऐसा ऐसा और भी फैल जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह, आमीन। एक्चुअली मैं अपने बेटे के लिए सिंगल पेरेंट हूँ, तो मुझे इस काम को आगे चलाना है, मुझे शौक है कि ये चले और मैं उसके लिए कुछ करूँ। बस मेरा फिलहाल अभी यही एम है कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूँ कि मुझे बताओ मैं खुद अर्न कर रही हूँ, खुद उसके लिए सब कुछ कर रही हूँ। अच्छा, मैं गई थी, अभी मैं बस 3-4 मिनट ही हैं, तो मैं आपके जी साथ एक स्क्रीन शेयर करूं, जो आपकी जो सवेरा आपके साथ थी नहीं, वो आपका उन्हें एक मोटिफ बनाया था वो आपसे जी बातचीत करके, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं, ताकि वो आप देख लें और आप हमें उस पे बता सकें कि आपके इसके बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगता है इसमें, आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगी? तो 1 मिनट में ज़रा उसको जी स्क्रीन जी शेयर कर लूँ। जी, ये आपको नजर आ रहा है, ये जी गुलाब? बिल्कुल जी। अच्छा, तो ये मुझे पता नहीं उसने गुलाब क्यों सिलेक्ट की, ये आप हमें ज्यादा बेहतर गाइड करके बता सकती हैं कि आपने अपनी कहानी में क्या शेयर की थी कि उसने ये गुलाब बनाया। अपनी कहानी में हमने ऐसा क्या शेयर किया, फूलों की तरह परवान चढ़ जाए बस हमारा काम। जी अच्छा, शायद इसलिए उसने किया हो कि इंशाल्लाह वो कह रही हो कि इस गुलाब की तरह आपकी भी जो भी ख्वाहिश आते अभी हैं एक गुलाब वो है, अभी ये खुल एक जाए। रोज है, मैं बस चाहती हूँ कि पूरा ये फ्लावर्स से भरा हुआ गार्डन बन जाए बस। ठीक है, मैं उसको आपका फीडबैक बता दूंगी कि आप चाह रहे हैं कि पूरा गार्डन बन जाए फूलों का, तो हाँ उसको जी, मैं कह थैंक दूंगी यू कि जब भी वो आमीन, आके डिजाइन इंशाल्लाह करे वो उस पे करे। ठीक। इंशाल्लाह। अच्छा, जाते जाते हाँ आपके पास कोई व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज है जो आप देना चाहेंगी? बस व्यूवर्स के लिए यही मैसेज है कि करते रहना चाहिए इसको, खुद इवन वुमेन्स को खुद ये सोचना चाहिए कि अगर वो कुछ कर सकती हैं तो उन्हें करना चाहिए। इस तरह बैठे बैठे ये नहीं सोचना चाहिए यहाँ से आ जाएगा वहां से आ जाएगा, सबके लिए करते हैं, मतलब मेल सबके लिए करते हैं, फादर हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, वो करते हैं, लेकिन हमें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये कोई बाहर निकल के नहीं है, हम घर में इज्जत से बैठ के कर रहे हैं, कोई हम जाके कहीं कुछ कर नहीं रहे, तो करना चाहिए सबको आई थिंक। ठीक, आई थिंक मैम इकरा कुछ कहना चाह रही थी। जी, हाय, क्या बोले। हाय हाय, ये आई एम द न्यू कस्टमर, कैन यू से मी हाय प्लीज। हाय हाय इकरा, हेलो इकरा, आई थिंक इकरा के साथ भी शायद थोड़ा सा ऑडियो का मसला हो गया, वो शायद गायब ना हो गई हो। आई थिंक इंटरनेट के मसले तो सबके पास फिलहाल आप होते बताएं, हैं। आपको हमारे साथ काम करके अच्छा लगा है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, आपका काम ही देख के इतना मजे का काम है, किसको नहीं मजा आएगा।
बस ऐसे यंग जनरेशन में आजकल जो मतलब बच्चियां हैं यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग है उनके हिसाब से ये कुर्ते स्पेशली मैंने डिजाइन करवाए थे कि जीन्स के साथ टाइट्स के साथ ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से कुर्ते वो लाइक करें, ठीक। इसीलिए इनको इतना हैवी नहीं है। बाकी गोटा वर्क वो सब कुछ जो फैंसी है वो तो शादियों के लिए है या पार्टी वेयर है जो भी है। ठीक है। अच्छा, आई थिंक हमारा टाइम खत्म हो गया। मैं अगले सेशन जो नसीम बाजी के साथ है वो हमें तैयारी करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी जरीन बाजी। और मेरे सब व्यूअर्स जी से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप उनका देख सकते हैं, बहुत अच्छा काम है। तो प्लीज उनको डायरेक्टली कॉल करें। उनका फोन नंबर गैलरी पे लिखा हुआ है। इधर जरीना बाजी को डायरेक्टली कॉल करें या कार्बन क्राफ्ट को डायरेक्ट मैसेज करें फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। और ट्यून इन फॉर द नेक्स्ट सेशन जो है अभी 2-3 मिनटों में नसीम अख्तर बाजी के साथ, जिनका फुलकारी का काम। थैंक यू। थैंक खुदा यू हाफिज। लास्ट।